रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आज भी हल्की बारिश की संभावना, तापमान 40 ही रहेगा। उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान भी 41 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। इधर पूरे दिन लोग गर्मी से परेशान रहे और शाम को जिन इलाकों में बारिश हुई वहां थोड़ी राहत मिली। मई में 30 मिमी बारिश होने के कारण तापमान उतना नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर रखी थी। जून लगने के बाद तो तापमान और नीचे चला गया, वजह बारिश ही रही। लोगों को बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर तापमान बढ़ रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री था, जो मंगलवार को बढ़कर 39.7 डिग्री हो गया। बुधवार को यह 40.8 डिग्री पहुंच गया। बुधवार का मौसम अन्य दिनों से बहुत अलग रहा। सुबह 8:30 बजे 63% आर्द्रता रिकॉर्ड की गई, जबकि शाम को 5:30 बजे यह 39% दर्ज किया गया। यानी पूरे दिन लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। थोड़ी देर धूप में रहने पर ही पसीने छूट गए। उमस भरी गर्मी इतनी तेज थी कि लोग कहते रहे कि ऐसी गर्मी सीजन में कभी नहीं लगी। हालांकि धूप उतनी तेज नहीं थी, इसलिए लोग इधर उधर आ जा रहे थे, लेकिन उमस ने उनकी हालत खराब की। आसमान पर हल्के बादल भी नजर आए और शाम होने पर थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी शहर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। बारिश होने से पर लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक एक द्रोणिका पंजाब से उत्तरी छत्तीसगढ़ तक उत्तरी मध्य प्रदेश से होते हुए समुद्री तल से 1.5 किमी ऊंचाई तक स्थित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा झारखंड व उसके आसपास 1.5 किमी व 2.1 किमी ऊंचाई के मध्य बना हुआ है। प्रदेश के दक्षिण भाग में कुछ स्थानों पर तो उत्तरी भाग में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।